प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष विमान से यात्रा करते हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके विमान में सुरक्षा के खासे इंतजाम हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब उनके विमान को वायुसेना के पायलट्स उड़ाएंगे। बता दें कि अब इस विमान को एयर इंडिया के पायलट उड़ाते हैं। जुलाई 2020 में भारत के पास दो कस्टमाइज B-777 प्लेन आएंगे। इन विमानों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यात्रा करेंगे और इन्हें वायुसेना के पायलट्स ही उड़ाएंगे। खास बात तो यह है कि इन विमानों में नई मिसाइलें लगी होंगी जो आपातकाल की स्थिति में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अभी B-747 है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यात्रा करते हैं। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग 2 के नए B-777 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग एयर इंडिया पहले ही एयरफोर्स के पायलट्स को दे चुका है। इसके अलावा कुछ और पायलटों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इन दोनों विमानों में अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, पेशेंट ट्रांसपोर्ट यूनिट और मेडिकल इमरजेंसी भी होगी। इन विमानों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में अलग से 4,469.50 करोड़ का प्रावधान किया था। भारत आने वाले दोनों B-777 विमानों में स्टेस ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा होगा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स। इसके अलावा इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स भी होंगे। इन दोनों डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब 1,350 करोड़ के आसपास है। यही दोनों सुरक्षा प्रणालियां अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन में भी लगी हुई है। ये विमान 12 गार्जियन लेजर ट्रांसमीटर असेंबलीज, 6 इंस्टॉल और 6 स्पेयर में रहेंगे। 8 लेयर CM आएंगे। दोनों विमानों में एक एक लगेंगे, 6 स्पेयर में रहेंगे। 23 मिसाइल वार्निंग सेंसर 12 इंस्टॉल होंगे और 11 स्पेयर में रहेंगे। 5 काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम रहेंगे, 2 इंस्टॉल होंगे और 3 स्पेयर में रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।